17 वर्षीय हैं और प्रथम श्रेणी में अपनी जगह बनाने को बेकरार हैं। पहला मुकाबला, पहला मैच जो इन्होंने खेला था वो सेमीफाइनल मुकाबला था, जिसमें दूसरी इनिंग में वो शानदार शतक जड़ा, 120 रन बनाए थे पृथ्वी शॉ ने। उतनी गति नहीं थी शॉट में कि बाउंड्री तक जाए, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। बहुत बढ़िया खेलते हैं ये शॉट, ये तो पिछले मैच में भी देखा था। यहां बख्शेंगे नहीं आपको पृथ्वी शॉ, ये बेहतरीन है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इनको। ओह व्हाट अ शॉट, another example of how good a player this man is, Prithvi Shaw. Oh, ye wicket milni chahiye thi, ye mehanga sabit ho sakta hai. Bhavnaon mein thoda sa beh gaye the yahan Prithvi Shaw, bahut zyada sharir se dur khel baithe. Maza aa gaya dekh ke bhai, maza aa gaya. क्या खूब शॉट खेलते हैं ये बल्लेबाज। That's a shot and a half. Terrific shot. बेहतरीन शॉट, एक बार फिर शरीर इतनी बढ़िया जगह पे पोजीशन कर लेते हैं कि फिर पूरी आजादी मिलती है ये शॉट खेलने की। बैकफुट पंच, and that's his half century. Could have been a risky run, but no damage done. 100 in the semi final on debut, 50 on a green pitch in the final. Badhiya shot, char run milenge. Ye shot humne semi final mein bhi dekhe the, बहुत आसानी से खेलते हैं। इस टाइम इन द एयर, हैज ही कॉट इट, हैज ही कॉट इट। जी हां, अंपायर बिल्कुल सही, थर्ड अंपायर के पास गए, लेकिन जो देखने वाली चीज वो बहुत अहम ये थी कि अंपायर का जो सॉफ्ट सिग्नल है उनका ये मानना है कि ये कैच नहीं पकड़ा। ओह इट्स बाउंस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। Mix up, gone, that's the third wicket. Yes, no, Prithvi Shaw stranded in the middle. देखिए पृथ्वी शॉ को देखिए कितना आगे आ गए थे बाहर, अगर आपने दौड़ना नहीं था तो जल्दी नो करना चाहिए था। थ्रो को इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन पार्थिव ने बढ़िया ढंग से पकड़ा उसे और ये बड़ी विकेट मिली है यहाँ कि इस तरह से आउट हुए 71 रन बना के 106 पे 3।